हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती पर। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे 16 जून करंट अफेयर पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सिप्री ने बताया कि भारत और पाकिस्तान और चीन नाभिक हथियारों का विस्तार कर रहे हैं, बताइए सिप्री का मुख्यालय कहां पर है। तो सिप्री एक संस्था है, इसने बताया कि भारत, चीन और पाकिस्तान नाभिक हथियारों का विस्तार कर रहे हैं, तो उसका मुख्यालय आपका स्टॉकहोम। शिपरी का मुख्यालय आपका स्टॉकहोम में है। इसकी स्थापना 1966 में हुई, शिपरी की स्थापना 1966 में हुई। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, प्रतास द्वीप कहां पर स्थित है। प्रतास द्वीप, यह द्वीप ताइवान में स्थित है। ताइवान यानी बोल सकते हैं दक्षिणी चीन सागर। प्रतास द्वीप दक्षिणी चीन सागर में स्थित है, इस द्वीप पर ताइवान का नियंत्रण है। इस द्वीप की सरकार ने बताया कि 28 चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमान और परमाणु सक्षम बम और सक विमान ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इसे चीन की सबसे बड़ी घुसपैठ माना जा रहा है। तो चाइना ने इस प्रतास द्वीप पर अपना अधिकार करना, कब्जा करने की ठान ली है। अगला क्वेश्चन है, संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन भारत सरकार के किस मंत्रालय में पहला है। संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन भारत सरकार के किस मंत्रालय में पहला है, तो आपका आंसर होता है जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य ओलिव कश्मीर के लिए प्रसिद्ध है। ओलिव कछुए के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1997 में हुई, यह ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइन आइसलैंड ग्लेशियर का संबंध किससे है। पाइन आइसलैंड ग्लेशियर का संबंध अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित है। इसकी बर्फ तेजी से टूट रही है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है, और इसके पिघलने से वैश्विक स्तर का तापमान 0.5 या 1.6 फीट तक की वृद्धि हो सकती है। और अगला क्वेश्चन है, रायथू बंधु योजना किस राज्य में लागू है। रायथू बंधु योजना तेलंगाना राज्य में लागू है। यह योजना 2018 से लागू है। इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार प्रत्येक एक वर्ष में 2 बार रबी की फसल और खरीफ की फसल पर किसानों को 5,000 रुपए का मुआवजा देती है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह सिंचाई मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह सिंचाई मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका होगा, सीएम राइज स्कूल योजना की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई। सीएम राइज स्कूल योजना की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई, तो आपका आंसर आता है मध्य प्रदेश। इसके तहत 350 स्कूलों का चयन किया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए परिवहन की सेवा लागू की जा रही है, और इसके तहत जो स्कूल क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र से दूर है उनके लिए योजना बहुत अच्छी मानी जाती है या मानी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता चितरंजन दास को किस नाम से जानते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से जानते हैं। देशबंधु, इन्होंने स्वतंत्रता असहयोग आंदोलन में भाग लिया महात्मा गांधी जी के साथ। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग प्रमाण जलगांव केले की किस्म किस राज्य में पाई जाती है। जलगांव केले की किस्म आपका गलत है, महाराष्ट्र। जलगांव केले की किस्म
महाराष्ट्र में पाई जाती है, यह है केला दुबई को निर्यात किया जाता है, निर्यात किया जाता है और इसे 2016 में जीआई टैग मिला था। तो आपके 10 मेन क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो में, आपके नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।